हेलो, आज हम देखने जा रहे हैं कि NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन परीक्षा के लिए कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं NPTEL पेज npetel.ac.in पर हूँ। यहाँ इस पेज के सेंटर में आप एक बॉक्स देख सकते हैं जिसमें कुछ लिंक्स मौजूद है। यहाँ आप मार्च 2020 एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिंक, अप्रैल 2020 एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हैं। मैं मार्च 2020 एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करती हूँ, आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जनवरी टू मार्च 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ओपन। इसका मतलब है कि जनवरी से मार्च 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भरना जारी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपने किसी NPTEL कोर्स में अपना नामांकन दर्ज किया होगा। आपने अभी तक किसी भी कोर्स में अपना नामांकन दर्ज नहीं किया है तो आप swayam.gov.in पोर्टल पर जाके जिस कोर्स में आपकी रुचि है उसमें अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं। अब हम परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इस लाल बटन पर क्लिक करती हूँ, ये मुझे लॉगिन पेज पर ले जाता है। यहाँ आप लोगों को लॉगिन करने के लिए कुछ विकल्प नज़र आएंगे। मैं गूगल के विकल्प से लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस ईमेल आईडी से आपने स्वयं पोर्टल से कोर्स नामांकित किया है, वही ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन भी करें। अब मैंने मेरी ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ दो लिंक देख सकते हैं। पहली लिंक द्वारा आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएंगे। जो दूसरी लिंक है, उस लिंक में उन कोर्सेज की सूची है जिनकी एग्ज़ाम मार्च 2020 में है। मैं इस लिंक पर क्लिक कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जिन कोर्स की परीक्षा की तारीख 29 मार्च 2020 है, उनकी सूची यहाँ मौजूद है। आपके द्वारा नामांकित कोर्स का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी लिस्ट को बंद कर रही हूँ। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करती हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल जाएगा। यह बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म भरते समय यहाँ जो भी सूचनाएं और जानकारियाँ सूचित की गई है, आप वो ध्यान से पढ़ें। ये पढ़ने से फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी। यहाँ आप 5 अलग टैब देख सकते हैं: बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉलेज डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर, ऐड कोर्स। इन टैब्स के ऊपर एक हरा टैब है, टाइमलाइंस एंड गाइडलाइंस। हमारे सारे उपभोक्ताओं से निवेदन है कि टाइमलाइंस और गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको परीक्षा से संबंधित जानकारी जैसे कि डेडलाइंस, एग्ज़ाम फीस, फाइनल स्कोर कैलकुलेशन वगैरह जैसी जानकारी मिल सके। सारी जानकारी पढ़ने के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जानते हैं। Important note: For candidates who are paying via the local chapter of your college, after filling this form, kindly contact your SPOC for further details. अगर कोई छात्र किसी भी कॉलेज में पढ़ता है और अपने कॉलेज के माध्यम से फीस का भुगतान करना चाहता है या फॉर्म भरने में उसे कोई भी दिक्कत है, तो अधिक जानकारी के लिए वो अपने कॉलेज से या अपने कॉलेज के SPOC से बात कर सकता है। अगले भाग में कुछ सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि काइंडली यूज़ गूगल क्रोम टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है फॉर्म भरते समय गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए टैब की ना यूज़ करते हुए माउस का इस्तेमाल करें। फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। स्टार मार्क वाली सारी जानकारियाँ भरना अनिवार्य है। You are not allowed to change name, date of birth once saved. If you want to change, you have to make a special request by submitting your ID proof. The link for this will be made available at the discretion of admin. इसका मतलब है, एक बार फॉर्म सेव करने के बाद आपको नाम या आपके जन्मदिन की तारीख बदलने की अनुमति नहीं है। यदि आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ मेल द्वारा सेंड करके एक विशेष अनुरोध करना होगा। उसके बाद एडमिन द्वारा आपको एक अलग लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बाकी जानकारियां भरना शुरू करते हैं।
सबसे पहला फील्ड है नाम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक स्टार मार्क है, इसका मतलब ये जानकारी भरना अनिवार्य है। नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखें कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। संक्षिप्त में नाम ना लिखते हुए पूरा नाम लिखें। अगर आपके नाम में कोई अध्याय अक्षर है तो वह भी अत्यंत सावधानी से भरें। यहाँ दी गई सूचनाओं को ज़रूर पढ़ें। द नेम एंटर्ड हियर विल अपियर इन योर सर्टिफिकेशन, नो फर्दर चेंजेस विल बी एंटर्ड इन। इसका मतलब है यहाँ लिखा हुआ नाम आपके सर्टिफिकेशन में दिखाई देगा, एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसलिए यह ज़रूरी है कि नाम लिखने के बाद आप उसे एक बार फिर से जांचें। अगली फील्ड है आपकी जन्मदिन की तारीख। यहाँ दिए गए एरो पर क्लिक करके आप अपने जन्मदिन की तारीख भर सकते हैं। यहाँ दी गई सूचना भी पढ़ लें। डेट ऑफ बर्थ विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट गवर्नमेंट इशू कार्ड एट द वेन्यू ऑफ एग्जाम, एंश्योर दैट द डेटा गिवन इज करेक्ट, नो चेंज विल बी एंटरटेन आफ्टर दिस फॉर्म इज सबमिटेड। इसके अनुसार परीक्षा स्थल पर सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड के साथ जन्मदिन की तारीख सत्यापित की जाएगी। सुनिश्चित करें कि दिया गया डेटा सही है। इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह समझना ज़रूरी है कि आप फॉर्म इसलिए भर रहे हैं ताकि आप परीक्षा केंद्र पर जाके परीक्षा दे सकें। आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके परीक्षा के हॉल टिकट पर प्रिंट की जाएगी। आपके परीक्षा स्थल पर सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड के साथ आपकी हॉल टिकट की जानकारी सत्यापित की जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अत्यंत सतर्कता के साथ जानकारियां भरें। किसी भी कारणवश अगर फॉर्म भरने के बाद आपको कोई जानकारी बदलनी हो तो हमें आपके आईडी प्रूफ के स्कैन कॉपी के साथ support@npetel.ac.in पर मेल करें। तीसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जिस ईमेल आईडी के साथ आपने अपना कोर्स नामांकित किया होगा वो यहाँ पहले से उल्लिखित है। यहाँ भी एक सूचना दी गई है। योर ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक एंड इज योर आइडेंटिटी, योर असाइनमेंट सबमिशंस विल बी आइडेंटिफाइड विद दिस ईमेल आईडी। इसका मतलब है आपकी ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए और यही आपकी पहचान है। आपके असाइनमेंट सबमिशन की पहचान इस ईमेल आईडी से ही की जाएगी। काफ़ी सारे छात्र अनेक ईमेल आईडीज यूज़ करते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त एक ही ईमेल आईडी का उपयोग करें। इससे आपका असाइनमेंट स्कोर और ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर मिलाने में आसानी होगी। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अलग ईमेल आईडी और एग्ज़ाम लिखने के लिए अलग ईमेल आईडी का उपयोग किया होगा तो फाइनल स्कोर पे इसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपकी ईमेल आईडी यूनिक हो और कोर्स नामांकन से लेकर एग्ज़ाम फॉर्म भरने तक आप एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें। अगली फील्ड है जेंडर यानी कि लिंग। उसे भरने के बाद अगला सेक्शन है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ एक सूचना दी गई है। द मोबाइल नंबर एंटर्ड हियर विल बी यूज फॉर सेंडिंग इम्पोर्टेंट SMS रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। इसके अनुसार यहाँ दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण SMS भेजने के लिए किया जाएगा, इसलिए सही कॉन्टैक्ट नंबर देना अनिवार्य है। यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और आपका कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म करें। अगला है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास एक और कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये विकल्प आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई स्टार मार्क मौजूद नहीं है। अब एडिशनल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के और बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्टार मार्क है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन भरना भी ज़रूरी है। यहाँ पूछा गया है आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, मतलब क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आपका जवाब ना है तो आप नो पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यहाँ और एक सवाल जुड़ जाएगा, आपको इसमें से एक विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, क्या आप ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग हैं। विजुअली इम्पेयर्ड विद स्क्राइब, नेत्रहीन स्क्राइब के साथ। विजुअली इम्पेयर्ड विदाउट स्क्राइब, नेत्रहीन स्क्राइब के बिना। हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब जिन्हें सुनाई नहीं देता। अब विकल्प दो और विकल्प तीन में स्क्राइब का मतलब जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ विकल्प दो चूज कर रही हूँ।
जैसे ही मैं विकल्प दो चुनती हूँ, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कहता है कि स्क्राइब इज अ पर्सन हु विल कम विथ यू टू एग्जाम एंड रीड आउट द क्वेश्चंस टू यू एंड एंटर द आंसर्स देमसेल्फ. प्लीज बी श्योर टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वेदर यू नीड अ स्क्राइब और नॉट. स्क्राइब एक ऐसा व्यक्ति है जो परीक्षा में आपके साथ आएगा और आपके प्रश्नों को पढ़ेगा और आपके उत्तर दर्ज करेगा. अगर आप विकल्प दो चुनते हैं, इसका मतलब है कि आपको परीक्षा लिखने में किसी सहायक के मदद की ज़रूरत है. सहायक आपके लिए सवाल पढ़ेगा और आप अपना जवाब उस सहायक को बताएंगे. सहायक आपका जवाब कंप्यूटर में दर्ज करेगा. अगर आप विकल्प तीन चुनते हैं, इसका मतलब है कि आपको परीक्षा लिखने में किसी सहायक की मदद की ज़रूरत नहीं है. कृपया विकल्प दो और विकल्प तीन चुनते वक्त आप ध्यान रखें कि आपको सहायक की ज़रूरत है या नहीं. और अगर चारों विकल्प में से आप कोई भी एक चुनते हैं और आपको लगता है आपको कुछ अधिक सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमारे सपोर्ट ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि और एक सूचना दी गई है. इफ़ योर disability is more than 40%, please select yes and upload PWD certificate issued by notice medical authority. इसके अनुसार अगर आपकी विकलांगता 40% जितनी या उससे ज़्यादा है तो हाँ पर सिलेक्ट करें अधिसूचित मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी PWD प्रमाण पत्र अपलोड करें. अब अगला विकल्प चुनते वक्त आपसे अनुरोध है कि अत्यंत सतर्कता के साथ जानकारी भरें. अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो नो पर सिलेक्ट करें और आप अगले ऑप्शन की ओर बढ़ सकते हैं. अगर आपकी विकलांगता 40% जितनी या उससे अधिक है तो यस पर सिलेक्ट करें. जैसे ही आप यस सिलेक्ट करते हैं तो और एक ऑप्शन यहाँ ऐड हो जाएगा. यहाँ और एक सूचना लिखी गई है. प्लीज अपलोड वैलिड PWD सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी. कृपया अपना वैध विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अगले सवाल पर जा सकते हैं. यहाँ आप चूज फाइल सिलेक्ट करें. जहाँ भी आपका फाइल है वहाँ से फाइल सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते. मैं यहाँ नो पे सिलेक्ट कर रही हूँ. अगला सवाल है, क्या आप SC ST कैटेगरी से है? अगर आपका जवाब ना है तो आप नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपका जवाब हाँ है तो अब यहाँ और एक नोट है. अप्लीकेंट्स हु क्लेम टू बी इन एनी कैटेगरी SC ST शुड सबमिट वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू क्वालिफाई फॉर रिड्यूस फीस. इसका मतलब है जो कैंडिडेट SC ST में से किसी भी श्रेणी में होने का दावा करता है, उन्हें कम शुल्क भरने के लिए किसी प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू SC ST सर्टिफिकेट्स. हम किन अथॉरिटी द्वारा इशूड SC ST सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, उनका नाम यहाँ दर्ज है. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, ये सारी सूची अच्छे से पढ़ लें. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर सिलेक्ट करें. आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करें. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आप एक अनुमति घोषणा पा सकते हैं जो कहता है कि द कम्युनिटी सर्टिफिकेट गिवन बाई मी इज वैलिड एंड अक्यूरेट. If NPTEL is unable to verify the same, they will send me an email, and if I do not respond, I agree that my hall ticket can be withheld and I will not be allowed to write the exam. इसका मतलब है मेरे द्वारा दिया गया community certificate वैध और सटीक है. यदि NPTEL उसको सत्यापित करने में असमर्थ है तो वो मुझे मेल भेजें, और यदि मैं जवाब ना दूं तो मैं मानता हूं कि मेरा हॉल टिकट वापस लिया जा सकता है और मुझे परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर आपको SC ST में बिलोंग करते हैं तो इस पर टिक करना पड़ेगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं यहाँ नो ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ.
अगर आपके अपलोड किए गए दस्तावेज में NPTEL को कोई संदेह हुआ तो हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे और आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका देंगे। सारी जानकारी अच्छे से समझने के बाद यह DOA डब्बे पर क्लिक करें। मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरी दी गई जानकारी के अनुसार ना ही मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ और ना ही मैं SC ST कैटेगरी से हूँ। अब मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने अपनी सारी जानकारियाँ सही लिखी है या नहीं। अपना नाम चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें, ईमेल ID, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी इंफॉर्मेशन। एक बार आपने ये सुनिश्चित कर लिया तो आप अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। अगला सेक्शन है कॉलेज डिटेल्स। यहाँ इस सेक्शन में आपको अपने कॉलेज या कंपनी से संबंधित सारी जानकारियाँ देनी होगी। अब यहाँ कुछ ऑप्शन देख सकते हैं, स्टूडेंट, फैकल्टी, एम्प्लॉयड एंड अदर्स। इन ऑप्शंस में से आपको आपके वर्तमान भूमिका सिलेक्ट करनी है। इन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखें कि आप अपनी डिटेल सही लिखें। अगर आप कहीं काम करते हैं तो एम्प्लॉयड सिलेक्ट करें। अगर आप शिक्षक हैं तो फैकल्टी सिलेक्ट करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट पर सिलेक्ट करें। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं हैं तो अदर्स सिलेक्ट करें। जैसे ही आप स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, प्लीज सिलेक्ट दिस ओनली इफ यू आर स्टिल स्टडिंग इन दिस कॉलेज, इफ यू हैव ग्रेजुएटेड प्लीज सिलेक्ट अदर अंडर रूल्स। इस सूचना के अनुसार आप स्टूडेंट ऑप्शन तभी चुनें जब आप अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यदि आप अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं तो आप अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ स्टूडेंट सिलेक्ट करती हूँ और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म भरना शुरू करती हूँ। यहाँ आपको आपकी कॉलेज की डिटेल्स देनी होगी। आपका कॉलेज जिस देश में है आप वो देश यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया सिलेक्ट कर रही हूँ। देश के जिस राज्य में आपका कॉलेज है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रही हूँ। अगला है सिटी। आपका कॉलेज जिस शहर में है वो शहर चुनना है। उससे पहले यहाँ दी गई सूचना को पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर वी हैव NPTEL लोकल चैप्टर्स इन डिस्प्लेस। इफ सिटी इज नॉट अवेलेबल सिलेक्ट अदर्स एंड एंटर द नेम ऑफ योर सिटी। यहाँ बस उन्हीं शहरों की सूची दी गई है जहाँ NPTEL के लोकल चैप्टर्स मौजूद हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, लोकल चैप्टर कॉलेज वो है जिनकी NPTEL से साझेदारी है। अगर इस सूची में आपको आपके कॉलेज के शहर का नाम उपलब्ध नहीं है तो आप अदर्स चुनें और अपने शहर का नाम दर्ज करें। मैं यहाँ पुणे सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पुणे सिलेक्ट किया, यहाँ कुछ कॉलेजेस की लिस्ट उपलब्ध हो गई है। मुझे मेरे कॉलेज का नाम इस लिस्ट में से चुनना है। उससे पहले यहाँ दी गई जानकारी पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ NPTEL लोकल चैप्टर कॉलेजेस अलोन डिस्प्लेड। इफ योर कॉलेज नेम इज नॉट अवेलेबल सिलेक्ट अदर्स एंड एंटर योर कॉलेज नेम। इसके अनुसार जो शहर मैंने चुना है उस शहर में जितने NPTEL के लोकल चैप्टर कॉलेजेस मौजूद हैं बस उन्हीं कॉलेजेस का नाम इस लिस्ट में दर्ज है। अगर आपके कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। अब इस बात पे ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है कि आप अपने कॉलेज की डिटेल्स बिल्कुल सही लिखें, तभी आपकी जानकारी आपके कॉलेज से जोड़ी जाएगी। मेरे कॉलेज का नाम यहाँ मौजूद है इसलिए मैं यादी में से मेरे कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ। आगे देख सकते हैं, नीचे दी गई जानकारी भी भरना ज़रूरी है। यहाँ आपको आपकी अलग अलग डिग्रीज की यादें मिलेगी। मैं यहाँ BE सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर हमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ ईयर ऑफ स्टडी, आप ग्रेजुएशन के जिस साल में पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। मैं फोर्थ ईयर यानी फाइनल ईयर सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम अदर डिटेल्स पे आते हैं। अब
नीचे कुछ डिटेल्स आपसे पूछी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टार मार्क मौजूद है, मतलब आपको ये जानकारियाँ देनी भी ज़रूरी है। आपकी अधिक जानकारी के लिए इन ऑप्शंस का जवाब देना ज़रूरी है। पहला सवाल है, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस कोर्सेस, आपको NPTEL कोर्सेस के बारे में कैसे पता चला। आप एरो पर टिक करें, यहाँ कुछ ऑप्शंस मौजूद है, आपके अनुसार जो भी ऑप्शन उचित है उसे सिलेक्ट करें। मैं यहाँ इंटरनेट सेलेक्ट कर रही हूँ। दूसरा सवाल है, मोटिवेशन फॉर डूइंग योर कोर्स, ये कोर्स करने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है। फिर से एरो पे सिलेक्ट करके कुछ ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन आपको उचित लगे वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ टू अपडेट माई नॉलेज सिलेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए NPTEL कोर्सेस ले रही हूँ। आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, आर यू टेकिंग दिस एग्ज़ाम फॉर कोर्स क्रेडिट। अब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सवाल का जवाब ध्यान से देना अत्यंत आवश्यक है। सवाल ऐसा है कि क्या आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कोर्स ले रहे हैं। अब जिन छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपने कॉलेज अथॉरिटीज या अपने कॉलेज के SPOCs से इससे संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बस आपके समझ के लिए बता दूं, कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉलेज के किसी विषय या प्रैक्टिकल के बदले NPTEL कोर्स करने की छूट देते हैं। अगर आप श्योर है कि आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कोर्स ले रहे हैं तो यस पे टिक करें। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी संदेह है तो पहले अपने कॉलेज से इसकी जानकारी ले, बाद में ही फॉर्म भरें। अगर मैं यहाँ यस सेलेक्ट करती हूँ तो एक सूचना स्क्रीन पे आती है जो कहती है, इफ़ द एग्ज़ाम इज टेकन फॉर क्रेडिट ट्रांसफ़र बाय डिफ़ॉल्ट योर एग्ज़ाम स्कोर्स एंड ई सर्टिफिकेट्स विल बी शेयर्ड विथ योर कॉलेज। इसका मतलब है, यदि ये परीक्षा आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए ले रहे हैं, मतलब अपने कॉलेज के किसी विषय के बदले NPTEL कोर्स ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा का स्कोर और सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से शेयर किया जाएगा। ये इसलिए ताकि कॉलेज आपका स्कोर आपके कॉलेज सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सके। क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए आपका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट कंपल्सरीली आपके कॉलेज से शेयर किया जाएगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पे और एक सूचना आती है जो कहती है, यू मे चूज टू शेयर और नॉट शेयर योर एग्जाम स्कोर विथ योर कॉलेज, प्लीज चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका मतलब है, आप अपने कॉलेज के साथ अपने परीक्षा का स्कोर शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन सिलेक्ट करें। कैन वी शेयर द स्कोर विथ योर कॉलेज, क्या हम आपके कॉलेज के साथ आपका स्कोर शेयर कर सकते हैं। अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर से एक पॉपअप आता है जो कहता है कि प्लीज़ नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हॉल टिकट, एग्जाम मार्क्स एंड ई सर्टिफिकेट्स विल बी शेयर विथ योर SPOC एंड कॉलेज। इसका मतलब है कि आपकी जानकारी आपके कॉलेज से शेयर की जाएगी, और जैसे ही मैं नो सिलेक्ट करती हूँ यहाँ एक पॉपअप आ जाता है जो कहता है, इफ़ यू सिलेक्ट नो टू शेयरिंग स्कोर विथ योर कॉलेज, योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हॉल टिकट, एग्जाम स्कोर, ई सर्टिफिकेट विल नॉट बी शेयर टू योर SPOC और कॉलेज। इसके अनुसार अगर आप ना या नो सिलेक्ट करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हॉल टिकट, एग्जाम मार्क्स, ई सर्टिफिकेट्स आपके कॉलेज या आपके SPOC से शेयर नहीं किया जाएगा। Your result will not be taken into consideration while rating your college at the end of semester. Please discuss with your SPOC of your college in case of any doubt. Semester के अंत में आपके college की rating करते समय आपका result consider नहीं किया जाएगा। कृपया अगर आपको इस detail पे कोई भी संदेह है तो अपने college के SPOC से इस पर चर्चा करें। अब ये समझना ज़रूरी है कि सेमेस्टर के अंत में लोकल चैप्टर कॉलेजेस की रेटिंग होती है। अगर आप अपनी डिटेल्स कॉलेज से शेयर करने में मना करते हैं तो इसका प्रभाव आपके कॉलेज के रेटिंग पे भी हो सकता है। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपकी डिटेल्स आपके कॉलेज से शेयर की जाएगी
और सेमेस्टर के अंत में कॉलेज की रेटिंग में भी कंसिडर की जाएगी। इसलिए हाँ या नो ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले इसके बारे में सारी जानकारी अपने कॉलेज से जान ले या आप हमारे सपोर्ट आईडी पे मेल करें। मैं यहाँ यस सिलेक्ट करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए एग्ज़ाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज के साथ अपनी डिटेल्स शेयर करती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ और एक छोटा सा बॉक्स है, इसे सिलेक्ट करना भी ज़रूरी है। यहाँ लिखा है आई अग्री एंड अंडरस्टैंड बट माई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑल टिकट एग्जाम स्कोर्स एंड ई सर्टिफिकेट विल बी शेयर्ड बाय एसपीओसी एंड कॉलेज। मैं इस बात से सहमत हूँ और समझती हूँ कि मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हॉल टिकट एग्जाम स्कोर्स एंड ई सर्टिफिकेट्स मेरे कॉलेज या मेरे कॉलेज के एसपीओसी से शेयर किया जाएगा। मैं यहाँ टिक करती हूँ। अब अगला है कैन वी शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, मतलब क्या हम संभावित नियुक्तों के साथ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि कुछ रिक्रूटर्स NPTEL को संपर्क करना शुरू कर चुके हैं ये कहते हुए कि उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जिन्होंने NPTEL कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है और उनकी प्रोफाइल कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच होती है। उदाहरण के तौर पर कोई कंपनी ये कहे कि हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में कोई XYZ कोर्स कंप्लीट किया हो और उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हो। अगर आपकी प्रोफाइल उनके रिक्वायरमेंट से मैच करती है और आपने यहाँ यस ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपकी डिटेल्स उन कंपनीज के साथ शेयर की जाएगी। ये जानना ज़रूरी है कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स की डिटेल्स शेयर करेंगे जिन्होंने ऑप्शन में यस सिलेक्ट किया है। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं हम आपकी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। मैं यहाँ यस सिलेक्ट करती हूँ। अब इस पेज के सारे सवाल यहाँ ख़त्म होते हैं। एक बार फिर से हम जांच लें कि हमने सारे सवालों का सही जवाब दिए हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ अपना रोल स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ मेरे कॉलेज की जानकारी दी है, मैंने यहाँ मेरे ग्रेजुएशन की जानकारी दी है और यहाँ मैंने अदर डिटेल्स में कुछ अधिक जानकारियाँ दी है। अब जब मैं ये सुनिश्चित कर चुकी हूँ कि ये डिटेल्स सही हैं तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे टिक करती हूँ। मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ एड्रेस डिटेल्स का टैब खुल गया है। यहाँ एक नोट है जो हम पढ़ते हैं, ऑल पोस्टल कम्युनिकेशन विल इशू दिस एड्रेस ओनली, नो फर्दर चेंजेस विल बी एंटर्ड। ये डिटेल्स बस NPTEL के जानकारी के लिए है और ये बात जानना भी ज़रूरी है कि NPTEL सिर्फ ई सर्टिफिकेट्स देता है, इसलिए कोई भी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे नहीं आएगी। आप देख सकते हैं जो एड्रेस आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट किया जाएगा वो यहाँ दिख रहा है। आप नीचे एक छोटा बॉक्स देख सकते हैं जो कहता है I here confirm that the given postal address is correct and it can be used for further communication. इसका मतलब है कि मैं ये confirm करता हूँ कि जो address यहाँ mention किया गया है वो सही है और further किसी भी communication के लिए इसे use किया जा सकता है। तो मैं इस box पर tick करती हूँ। अब हम एक बार सारी जानकारी देख लें और next option पर tick करें। अगला option है photo and signature। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड करें। ये फ़ोटो और सिग्नेचर आपके हॉल टिकट पर भी मौजूद होगी और परीक्षा सेंटर पे आपका फ़ोटो आपके गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड के साथ सत्यापित किया जाएगा। यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई है, हम उसे पढ़ लेते हैं। फेस शुड ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ एरिया इन द फोटोग्राफ एंड विद फुल फेस व्यू लुकिंग इनटू कैमरा डायरेक्टली। इसका मतलब है तस्वीर में लगभग 50% क्षेत्र चेहरे का होना चाहिए और आपका चेहरा कैमरा फेसिंग होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज इज 150 KB किलोबाइट्स। आपके द्वारा अपलोड किए जाने वाले फोटो की अधिकतम साइज 150 KB होनी चाहिए।
To avoid upload errors, please open your image in MS Point and save them in JPG format within file upload size limit. किसी भी तरह के एरर से बचने के लिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आपका फोटो MS Point में ओपन करें और उसे JPG फॉर्मेट में ही सेव करें. ये प्रक्रिया करते वक्त भी ये ध्यान रखें कि फ़ोटो की साइज़ अधिकतम 150 KB होनी चाहिए. ऑल टिकट्स विल नॉट बी जनरेटेड एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट द एग्जाम इफ़ यू सबमिट सेल्फीज ब्लर्ड इमेजेस फोटोज ऑफ समवन एल्स डमी फोटोज ग्रुप फोटोज फुल साइड पिक्स एक्सेट्रा. मतलब आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं किया जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आप सेल्फीज धुंधली फोटो किसी और का फोटो डमी फोटो ग्रुप फोटो या आपकी पूरी तस्वीर जैसे कुछ फोटोज अपलोड करते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी तरह का फोटो अपलोड करते हैं तो हमारे तरफ से आपको नोटिफिकेशन मेल आएगा. अगर आप इस मेल पर रिप्लाई नहीं करते हैं या आपकी सही फोटो नहीं भेजते हैं तो आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं किया जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है आप अपनी सही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. यहाँ हमने आपके लिए कुछ सैम्पल फोटोज़ अपलोड किए हैं. यहाँ साफ लिखा है कि किस तरह का फ़ोटो अपलोड करना चाहिए और किस तरह के फ़ोटोज़ नहीं अपलोड करने चाहिए. अब मैं सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ. अब मैंने यहाँ मेरा फ़ोटो और मेरी सिग्नेचर अपलोड कर दी है. फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले एक बार फिर जांच ले आपने सही फ़ोटो और सही सिग्नेचर अपलोड की है. जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ एक नोटिफिकेशन मैसेज आ रहा है. यू आर अबाउट टू सबमिट योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्रोसीड. इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपने जो भी डिटेल्स दी है क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आप ओके क्लिक करते हैं इसका मतलब वो सही है. अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है तो आप कैंसिल पे टिक करें और बैक ऑप्शन सिलेक्ट करें. अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिर से चेक करें. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है. मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ. अब यहाँ और एक नोटिफिकेशन आता है जो कह रहा है सेव योर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लीज गो ऑन थ्रू बुकिंग योर एग्जाम स्लॉट्स. मतलब मेरी सारी डिटेल्स यहाँ सेव हो चुकी है और हम अभी एग्जाम स्लॉट बुक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ. जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ मैं ऐड कोर्स टैब में आती हूँ. यहाँ आपको आपकी कोर्स की डिटेल्स देनी है. यहाँ हम वो कोर्स ऐड करेंगे जिसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. आप यहाँ अनेक कोर्सेज ऐड कर सकते हैं. अब मैंने जिस कोर्स में एनरोल किया है वो कोर्स यहाँ पहले से मौजूद है तो मैं इसमें से एक कोर्स चुनती हूँ. यहाँ एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट करना है. अब मार्च में सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम है इसलिए सिर्फ एक ही तारीख आ रही है. अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ दो तारीख मौजूद होगी. आप दोनों में से कोई एक तारीख चुन सकते हैं. मैंने मेरे एग्ज़ाम की तारीख चुन ली है. अब है एग्ज़ाम सेशंस. दो सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशंस और इवनिंग सेशंस. मॉर्निंग सेशन मतलब सुबह की एग्ज़ाम और इवनिंग सेशन मतलब दोपहर की एग्ज़ाम. मार्च में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेशन चुन सकते हैं. अब ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जो प्रेफरेंस दे रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम उसी सेशन में होगी. ये सब आपके एग्ज़ाम सेंटर चुनने पर निर्भर करता है. मैं यहाँ मॉर्निंग सेशन चुन रही हूँ. अब अगला स्टेप है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम स्टेट चुनना. उससे पहले इस बॉक्स पे टिक करना ज़रूरी है. यहाँ लिखा है Please tick this box to select exam cities. Note that three cities chosen here will be applied all courses for which you are writing the exam. इस box के हिसाब से आप तीन cities का नाम दे सकते हैं जहाँ आप exam लिखना चाहते हैं. मैं यहाँ tick कर रही हूँ. अब हम हमारा preference select करेंगे.
एग्जाम स्टेट, एग्जाम सिटी वन, एग्जाम स्टेट, एग्जाम सिटी टू। अब एग्जाम स्टेट पे क्लिक करें, यहाँ स्टेट की यादी मौजूद है। आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करें जहाँ आप परीक्षा देना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रही हूँ। महाराष्ट्र के जिस शहर से आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, आप दिए गए यादी में से वो चुन सकते हैं। मैं पुणे सिलेक्ट कर रही हूँ। एग्ज़ाम स्टेट टू, आप अपना दूसरा प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं फिर से महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रही हूँ। मेरे लिए दूसरी प्रेफरेंस सिटी रहेगी नागपुर। अब यहाँ एक नोट दिया गया है, इफ़ एग्जाम सिटी चॉइसेस वन एंड टू आर नॉट अवेलेबल, यू विल बी अलॉटेड टू थर्ड चॉइस एग्जाम सिटी, रिक्वेस्ट यू टू चूज दिस सिटी वेरी केयरफुली। आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस दिया है, उसमें से किसी भी शहर में एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो आप जो तीसरी सिटी चुनते हैं उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए ये सिटी चुनते वक्त काफ़ी सतर्क रहें। मेरा प्रेफरेंस फिर से महाराष्ट्र रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हैं जहाँ 100% एग्ज़ाम होगी ही। आप यहाँ भी आपके हिसाब से सिटी चुन सकते हैं। जैसे कि मेरा पहला प्रेफरेंस पुणे रहा है, तो मैं मेरी थर्ड सिटी भी पुणे सिलेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे ये अश्योरेंस है कि पुणे में किसी सेंटर में मेरी एग्ज़ाम ज़रूर होगी। मैं ऐड कोर्स पे सिलेक्ट करती हूँ। अब मुझे ये देखना है कि जो कोर्स मैंने ऐड किया है वो सही है या नहीं, इसलिए मैं प्रीव्यू कार्ड पे जाती हूँ। अब यहाँ मेरे कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। मेरे कोर्स का नाम एनालॉग सर्किट है। मेरी एग्ज़ाम डेट 29 मार्च है। मैंने मॉर्निंग सेशन मतलब FN में एग्ज़ाम सिलेक्ट की है और एग्ज़ाम का अमाउंट 1000 रुपया है। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स डिलीट करना है, तो आप इस लाल मार्क पे कोर्स डिलीट कर सकते हैं। कोर्स डिलीट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैंने यहाँ अभी तक कोई फीस पे नहीं की है, तो मैं कोर्स डिलीट कर सकती हूँ। अगर किसी कारणवश फीस भरने के बाद आपको कोर्स डिलीट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। आपको आपका रिफंड 2 से 3 हफ्तों में मिल जाएगा। अब मुझे एक और कोर्स ऐड करना है। मैं ऐड कोर्स पे क्लिक करती हूँ। मैं वापस ऐड कोर्स सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ अगर मैं वही कोर्स चुनती हूँ जो मैंने पहले चुना है, तो एक नोटिफिकेशन आएगा, यू ऑलरेडी हैव दैट कोर्स इन योर कार्ट। मतलब आप जो कोर्स चुन रहे हैं वो ऑलरेडी आपके कार्ट में एडेड है। तो मैं दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर रही हूँ, एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैंने पहले कोर्स के लिए मॉर्निंग सेशन चुन लिया था। एक दिन में एक सेशन में मैं एक ही एग्ज़ाम लिख सकती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग सेशन सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ एक पॉपअप आ रहा है जो कहता है दैट स्लॉट इज़ ऑलरेडी फिल्ड फॉर यू। मतलब आप इस स्लॉट में पहले ही परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए मुझे इवनिंग सेशन ही चुनना होगा। अब यहाँ भी मैं अपना प्रेफरेंस दे सकती हूँ। अगर आप दूसरे सेशन के लिए आपके प्रेफरेंस बदलना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मेरे प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहती। मैं ऐड कोर्स पे टिक करती हूँ। यहाँ आ गया है सक्सेस, योर कोर्स इज सक्सेसफुली एडेड टू द कार्ट। अब मैं दोबारा प्रीव्यू कार्ड पे क्लिक करती हूँ ये देखने के लिए कि कोर्स ऐड हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 कोर्स ऐड हुए हैं। अगर इन 2 कोर्स में से आप कोई कोर्स डिलीट करना चाहते हैं, तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अब मैं सारे कोर्स ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मैं पेमेंट प्रोसेस की ओर बढ़ती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक डिस्काउंट ऑप्शन मेंशन है। अगर मैंने PWD या SC ST सिलेक्ट किया होता, तो मुझे डिस्काउंट मिलता, वो यहाँ लिख के आता। जब मैंने ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं फुल पेमेंट करूंगी जो 2000 है, 1000 पर कोर्स।
प्रीव्यू एंड चेकआउट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ एक एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर सिस्टम जनरेटेड यूनिक नंबर होता है, हर एप्लीकेंट के लिए जनरेट होता है और अलग होता है, इसलिए आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करें, अपना इशू हमारे सपोर्ट आईडी पे मेल कर सकते हैं। यहाँ मेरे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और पेमेंट के लिए आगे बढ़ती हूँ। मैंने मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ़ोन नंबर, करंट रोल, स्टेट, एड्रेस, मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर, अदर डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स सब चेक कर लिया है। यहाँ आप लिख सकते हैं नोट एग्जाम फी कैलकुलेशन एग्जाम्पल्स। अगर आपको फीस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस टैब पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पेमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको ये सारी जानकारी पढ़ना ज़रूरी है। पहला है, प्लीज़ चूज़ योर पेमेंट मेथड। आप किस पेमेंट मेथड से पे करना चाहते हैं, वाया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। टू प्रोसेस विद द पेमेंट, प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स अबव बिफोर डूइंग द पेमेंट गेटवे। प्रोसीड करने से पहले आप अपनी सारी पेमेंट गेटवेज चेक कर लें। फिल द कैप्चा 4+27, तो कैप्चा मैं यहाँ कैप्चा फिल करती हूँ। ग्रीन हो गया मतलब ये सही था। एम आई अबव 18 ईयर ऑफ एज, क्या मैं 18 साल से बड़ी हूँ। आई अग्री टू फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम स्केड्यूलिंग प्रोसेस, एग्जाम स्केड्यूल करने के लिए जो प्रोसेस होगा मैं उसके लिए सहमत हूँ, जो कहता है कि NPTEL कैन चेंज द डेट सेशंस ऑफ एग्जाम्स टू अदर ऑप्शन अवेलेबल। जैसे हमने पहले बताया था कि आप जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, वो यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा है कि कोर्स इंस्ट्रक्टर डिसीजन ऑफ दिस कोर्स एंड इवेल्यूशन इज फाइनल एंड नो अदर क्लैरिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड। मतलब आपके एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो फाइनल स्कोर है, उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्यूशंस विल नॉट बी पब्लिश्ड फॉर दी कोर्सेज, जो कोर्स है उसके लिए कोई सॉल्यूशन पेपर्स या जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एग्ज़ाम के बाद अवेलेबल नहीं किए जाएंगे। आई अग्री इफ़ आई फेल इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम NPTEL विल नॉट कंडक्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं लिए जाएगी। आई अग्री एंड अंडरस्टैंड, मैंने सारा समझ लिया है और मैं सारी बातों से सहमत हूँ। आई शुड यूज़ द सेम ई मेल आई डी गो थ्रू द कोर्स रन फॉर एनरोलिंग द कोर्स एंड एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम। असाइनमेंट सबमिटेड यूजिंग अदर ई मेल आई डी विल नॉट बी टेकन एंड इन टू कंसिडरेशन टूवर्ड्स फाइनल कंसोलिडेटेड स्कोर एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ लिखा गया है कि मैंने एग्ज़ाम एनरोलमेंट से लेके एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन तक एक ही ईमेल आईडी यूज़ की गई है। अगर मैंने दो अलग ईमेल आईडी यूज़ की है तो मेरे असाइनमेंट का स्कोर और मेरे एग्ज़ाम स्कोर मैच नहीं होगा और इसका परिणाम मेरे फाइनल स्कोर पे और मेरे सर्टिफिकेशन पे होगा, और मैं ये सारी चीज़ें समझती हूँ। तो यहाँ एक छोटा बॉक्स है जिस पर आपको टिक करना है आई अग्री टू ऑल दी अबव, जो कहता है कि मैंने ऊपर दी हुई सारी जानकारियाँ पढ़ ली हैं और मैं उससे सहमत हूँ, तो मैं यहाँ टिक कर रही हूँ। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ एक पॉपअप आएगा जो कहता है काइंडली मेक श्योर दैट ऑल योर अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट। आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो करेक्ट है। वंस यू कन्फर्म हियर यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस एक्सेप्ट एड्रेस फोटो एंड सिग्नेचर एंड कैंसिलेशन ऑफ कोर्स विल बी अलाउड अंटिल द लास्ट डेट ऑफ डेटा चेंजेस। अगर आप ये डिटेल्स सेव करते हैं तो आपके एड्रेस फोटो एंड सिग्नेचर के अलावा आप कोई और डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते। जब तक ये चेंज करने की अवधि है तब तक आप कोई कोर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। सो काइंडली मेक श्योर बिफोर प्रोसीडिंग द पेमेंट। अगर आप ओके सिलेक्ट करते हैं, आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है और पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है तो कैंसिल करें और बैक प्रोफाइल सिलेक्ट करके आप जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप अभी करें। मैं यहाँ ओके सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ मेरा पेमेंट गेटवे खुलता है। आप पेमेंट करने के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको अभी भी पेमेंट नहीं करना है तो आप पेमेंट कैंसिल कर सकते हैं।
हमारे तरफ से आपको एक मेल आएगा कि आपका पेमेंट कैंसिल हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे सपोर्ट आईडी support@npitel.ac.in पे मेल कर सकते हैं। इसी तरह आप अप्रैल 2020 के एग्ज़ाम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।